सो अभी रिसेंटली मैंने आशुष का एक लैपटॉप लिया और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि तुझे प्रोसेसर के पीछे देखना चाहिए था कि कौन सा लेटर है और फिर लेना चाहिए था। कौन है ये लोग? सो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के लेटर्स होते हैं, जिसका यू टाइप का लेटर होता है वो सिर्फ यहाँ पे एक्सेल और गूगल क्रोम जैसे काम कर सकते हैं, और जिसका पी लेटर होता है वो यहाँ पे कोडिंग से रह के फोटो एडिटिंग तक कर सकते हैं, और जिसका एच लेटर होता है वो यहाँ पे सब का सब फीचर्स कर सकते हैं, गेमिंग से लेके फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सब यहाँ पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा। देखो लैपटॉप मैंने यहाँ पे सिर्फ लेटर देख के नहीं लिया, यहाँ पे मैंने प्रोसेसर और जनरेशन देख के लिया। जितना लेटेस्ट जनरेशन होगा उतना ही आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा भी लेटर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे यू लेटर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें कोडिंग नहीं कर सकता, वीडियो हाई लेवल पे एडिटिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरेशन देखा है और प्रोसेसर देखा है। सिर्फ लेटर देख के हमें लैपटॉप को जज नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।